अगर ये ओपिनियन पोल रिजल्ट्स में तब्दील होता है तो ये आंकड़े दिलचस्प होंगे। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया, दक्षिण में कहा जाता था बीजेपी का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन केरल में 2 सीटें, तमिलनाडु में 5 सीटें एक बड़ा नंबर है, और अब तो दूसरी लिस्ट भी आ गई है बीजेपी की। आपके मीडिया चीफ को गढ़वाल से टिकट मिला है, पौड़ी से अनिल बलूनी को। अमित जी, सबसे पहले तो सभी को मैं बधाई देता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं, जिसमें वरिष्ठ नेता हैं, नितिन गडकरी जी का भी नाम है, पीयूष गोयल जी, अनुराग ठाकुर जी, हमारे मीडिया हेड हैं अनिल बलूनी जी। कड़ी मेहनत इन्होंने करी है, और मुझे याद आता है कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे कह रहे थे गडकरी जी को तंज कसते हुए कि हमारे पास आ जाओ, यहां से चुनाव लड़ लो। वो ये भूल गए कि कद्दावर नेता की इज्जत क्या होती है, वो करना केवल भारतीय जनता पार्टी जानती है। और अब नितिन जी जब मैदान में आए हैं ना, सूपड़ा साफ करवाएंगे उद्धव ठाकरे का। आप ये देखिएगा, महाराष्ट्र में 48 में 48 सीटें जीतेंगे। दूसरी बात जो आपने करी है दक्षिण भारत की, तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण भारत में एक मुहिम छेड़ रखी है, काशी तमिल संगमम कराया। उसके अलावा जो दक्षिण भारतीयों को कभी दक्षिण भारतीयों की आइडेंटिटी पे विभाजित नहीं किया, उन्होंने अखंड भारत सब एक हैं की बात करी है, और इसी का परिणाम है कि तमिलनाडु में आपने 5 सीटें, केरल में 2 सीटें, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में 28 सीटें हैं, तो 28 में 28 सीटें जो हैं वो हमारी आएंगी वहां पे। ये इसलिए संभव है क्योंकि हमने राष्ट्र सुरक्षा हो, राष्ट्र के मुद्दे हो, और जो बाकी दक्षिण भारतीय राजनीति होती है उसमें बांटने का काम नहीं किया है, भारत को अखंड किया है और सबको जोड़ने का काम किया है। मैं एक बात और कहूंगा, देखिए जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा किस तरह से आरजेडी हमारे साथ आ गई, नीतीश कुमार जी जो सूत्रधार थे घमंडिया के, वो भी हमारे साथ आ गए। जेडीएस कर्नाटका में हमारे साथ आ गए, और इनके जो साथी है वो छटक रहे हैं, तो ये कमजोर हो रहे हैं, हम लोग मजबूत हो रहे हैं। हवा किस तरफ की चल रही है ये सबको पता है, और किसके टायर में हवा निकल गई है उस साइकिल का भी सबको पता है। साइकिल की बात आ गई है और इसीलिए ब्रेक लगाना जरूरी है आपके पास। अनुराग जी, आप ही का रुख कर रही हूँ, काहे परेशान हो रहे हैं? जो आरोप लग रहा है उसका जवाब दे दीजिए। देखिए टोकिएगा नहीं भाई, निवेदन है, आप दोनों लोग कूद पड़ेंगे जैसे मैं बोलूंगा, बस बीजेपी के बचाव में एकदम दाना पानी लेके सुन रहे थे। अब बोलिए, देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ओपिनियन पोल है, आजकल नया ट्रेंड चला ना ओपिनियन पोल कराने का। अब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 लाख लोगों का सैंपल साइज लेके आए और हल्ला मचा रहे हैं, जीत गई बीजेपी, जीत गई, और तेज तेज हल्ला मचा रहे ओपिनियन पोल बनाने वाले और उनके सपोर्टर। कमाल है भाई, ये देश को मजाक बना दिया। मैंने ओपिनियन पोल, हर टीवी चैनल एक ओपिनियन पोल लेके बैठ गया है और कह रहा है देश में भी, ये भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है उसकी सरकार नहीं आ रही है, वो हर तरह से हार चुकी है, उसे पता है जनता उसके खिलाफ है, किसान खिलाफ, उसके साथ छात्र खिलाफ, महिलाएं खिलाफ है, युवा खिलाफ है, लेकिन हम माहौल बना रहे हैं, नहीं माहौल बन रहा है तो ओपिनियन पोल के माध्यम से बनाओ कि सारी सीटें जीत गए। अरे पूरी कोशिश कर ली, प्रभु राम का नाम लेके आए तब भी उनको फायदा नहीं मिला, फिर सीए लेके आए फायदा नहीं मिल रहा है, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया फायदा नहीं मिला, नेता तोड़े पार्टियां तोड़ी फायदा नहीं मिला, ओपिनियन पोल नया, ये नया फंडा शुरू किया ओपिनियन पोल का। आहा वाह भाई, ये नया फंडा ओपिनियन पोल का शुरू कर दिया, ओपिनियन पोल से माहौल बनाओ। क्या बात कर रहे हैं आप, जो आपको नया फंडा लग रहा है ओपिनियन पोल। एक सेकंड, जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी थी ना तब भी ओपिनियन पोल हुआ था, जब अखिलेश जी की 2012 में सरकार बनी थी तो मुलायम सिंह यादव ने जिस पार्टी को जितवाया था तब भी ओपिनियन पोल हुआ था, जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी थी तब भी ओपिनियन पोल हुआ था, जब 2004 एक सेकंड सर सुनिए सुनिए, आप बार बार एक बोल रहे हैं कि ये नया फंडा शुरू हुआ है, ओपिनियन पोल पहले भी होते थे जी, पहली बार नहीं हो रहे हैं। 2004 में भी ओपिनियन पोल हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है, अटल जी की सरकार थी, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, सतीश के सिंह यहां मौजूद है, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, और फैक्ट ये है कि 2004 के अंदर
बीजेपी का अगर तमिलनाडु के अंदर अलायंस ठीक हो जाता तो शायद बीजेपी की सरकार आ जाती, सिर्फ 25-30 सीटें बीजेपी पीछे थी। पॉइंट ये है। और 2009 में भी ओपिनियन पोल हुआ था जब कांग्रेस की सरकार वापस आई थी। ओपिनियन पोल हमेशा से होते रहे हैं। ओपिनियन पोल कभी बीजेपी को सूट नहीं करते थे, कभी विपक्ष को सूट नहीं करते हैं। जैसे ईवीएम पहले एक किताब भी आई थी जीवीएल नरसिम्हा राव की, ईवीएम पहले उनको सूट नहीं करती थी, अब इन्हें सूट नहीं करती है। तो हम लोगों ने हर दौर देखा है और ओपिनियन पोल को नया ताजा फंडा नहीं है। लेकिन मुझे आकू जी एक सेकंड बस, अनुराग जी आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं? आप मान रहे हैं, आप कह दिया, आपकी बात सुना भी दी हमने। आप कहते हैं कि मीडिया जो है वो हमारी बात नहीं सुना था, आपकी पूरी बात सुना दी। आप कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल प्रोपेगेंडा है, परसेप्शन बनाने की कला है। भाई आप भी यहीं पर मौजूद रहेंगे, हम भी यहीं मौजूद रहेंगे, आंकड़ा क्या सच क्या गलत वो सामने आ जाएगा, साबित हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग में 2019 का 2019 का फैक्ट बताता हूं अनुराग भाई, आपको याद होगा स्टूडियो हमारा फिल्म सिटी में होता था और आप न्यूज 18 के मंच पर आए थे, लेकिन दोपहर 11 बजे के बाद आप गायब हो गए थे। 2019 के अंदर याद है आपको वो पल भी, आप 11:30 बजे के करीब गायब हो गए थे। तो इसलिए लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, हमें डिटेल्स में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे ये बताइए आप कितनी सीटें लाएंगे उत्तर प्रदेश की, मैं पंजाब का नंबर भी आ रहा है, हरियाणा का नंबर हमारे सामने है, मैं ब्रेकिंग चला दूंगी, लेकिन उससे पहले हरियाणा का नंबर हमारे सामने है। हरियाणा में आप देखिए क्या नंबर आ रहा है, 10 में से 10 हरियाणा के अंदर, 10 में से 10 हरियाणा के अंदर। इंडिया अलायंस वहां खाता भी नहीं खोल पा रहा है। इंडिया अलायंस को वहां कोई सीट नहीं मिल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है। दिल्ली का नंबर भी थोड़ी देर में आने वाला है, हिमाचल का नंबर भी थोड़ी देर में आने वाला है, उत्तर प्रदेश का नंबर भी आने वाला है। हरियाणा में 10 में से 10 तहसीन पूना वाला, अशोक तंवर को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। बस उससे पहले अक्कू जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्या आपने अपना पार्टियां अपना भी तो सर्वे कराती, मुझे पता है कि मुलायम सिंह यादव भी कराते थे, अखिलेश ने भी कराया है, तो अखिलेश जी ने जो कराया उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में आपको कितनी सीटें मिल रही है, जरा इतना एक संक्षेप सा जवाब बताइए। हम बड़ा बड़ा चला देंगे। 80 में से अनुराग भदौरिया ने कहा इंडिया गठबंधन को मिल रही इतनी सीटें, ठीक है, मैं तैयार रखती हूँ, बताइए कितनी सीटें 80 में से ना, आप चलाइए ब्रेकिंग में। हाँ, ब्रेकिंग में चलाइए। हम लोग के सर्वे के मुताबिक सुन लीजिए, हम लोग के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट के ऊपर जा ही नहीं रही है, वो बड़ी मुश्किल से अगर 10 सीटें बड़ी मुश्किल से जीत जाए। आप बताइए ना, आप कितनी सीटें ला रहे हैं? हालत ऐसी खराब है, वो राजनीति को संभालने में लगी है, कभी अपना दल को संभालने में लगी है, कभी कभी निषाद पार्टी को संभालने में लगी है। डबल डिजिट क्या होता है? आप ये बोलिए 80 में से कितनी सीटें चलाइए चलाइए। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में नहीं पहुंच रही है, बिल्कुल चलाएंगे। आपने बोला बीजेपी डबल डिजिट में ऊपर नहीं जा रही है, तो वहां पर सीटें ही ऐसी है, तो डबल डिजिट की सीटें हैं। चलाइए आप, और ब्रेकिंग में चलाइए आप। अनुराग जी, अनुराग जी, एक तरफ आप अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू चला दीजिए, एक तरफ मेरा चला दीजिए, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। बताइए सीट तो, ब्रेकिंग चलवाओ, सीट बताइए। बता तो दिया आपने, सुना आपने, सुना ना, वो बोल रहे बीजेपी डबल में, बीजेपी डबल डिजिट में जा रही है, बीजेपी 9 पे, तो अनुराग भाई की पार्टी को 71 मिल रहे कांग्रेस के साथ, यानी कांग्रेस का स्वीप है। इसे आपको लगता है, आपको लगता है तहसीन, लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट, आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस की 70 सीटें आ रही है यूपी के अंदर, लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट, धरती की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ओपिनियन पोल्स एक साइंस होता है और इस साइंस का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई और एक साइंस एक दिशा दिखाती है, ये सबसे पहली बात है, हमें ये चीज़ माननी होगी, ठीक है। लेकिन 83-51 या आप 93-51, इसमें मुझे थोड़ा सा हम इस बात पर डिबेट कर सकते हैं इस आंकड़े पर, और मुझे लगता है हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अगर इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती तो बीजेपी कल मुख्यमंत्री को क्यों चेंज कर देती? उनका एक सिटिंग एमपी कल कांग्रेस ज्वाइन किया, परसों कांग्रेस ज्वाइन किया, इतनी अच्छी स्थिति होती तो सिटिंग एमपी क्यों ज्वाइन करता है? कांग्रेस हरियाणा में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु में भाजपा का वोट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनको 5 सीटें एनडीए को नहीं मिल रही है। तमिलनाडु में मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, 40 में से 40 यूपीए लेके जा रही है, और केरला में भी लेफ्ट नहीं जीत रही है। सतीश जी गर्दन हिला रहे हैं, आप ही के बगल में। मैं सतीश जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये मेरी बात है, जो जो हमने सवाल किया। आप क्यों एग्री नहीं कर रहे? मैं एग्री कर रहा हूँ, मुझे आप बोलने दीजिए, प्लीज आप ही बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस देश का